अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं आपका दोस्त महबूब अख्तर आर वाई के कैक्टस एंड साइक्लोन के यूट्यूब चैनल से। दोस्तों मेरी ऑस्ट्रोफाइटम की सीडलिंग है, मिक्स ऑस्ट्रोफाइटम है ये, कोई तकरीबन 3 साल पुरानी सीडलिंग है और ये तमाम मिक्स पौधे हैं और सारे को मैंने भल के अंदर ग्रो किया। ये जैसे आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रोफाइटम कैप्रिकॉर्न है, उसका कोई क्लोन है कैप्रिकॉर्न का। ये मैरियोस्टिग्मा ऑस्ट्रोफाइटम ट्रैकोस्टेटम है, ये बी मैरियोस्टिग्मा, ये भी मैरियोस्टिग्मा, सब के अंदर क्रॉस है और कुछ हाइब्रिड है लिटिल क्रॉस के साथ। सबको मैंने भल के अंदर ग्रो किया हुआ है और इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा और ये इनको पानी भी बहुत कम मिकदार में दे रहा हूँ, जिससे ये सख्त जान हो रहे हैं और हर किस्म के मौसम में सर्वाइव करने के लिए रेडी हैं। मतलब ये जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में होते हैं। जैसे ये देखें, ये ट्विंस निकले, ट्विंस हेडेड, ये ऑर्नेटम का क्लोन है, ये भी मैरियोस्टिग्मा है, ये भी मैरियोस्टिग्मा है, फोरस्टेटम, ये कुछ अस्टीरिया है, ऑस्ट्रोफाइटम अस्टीरिया, सुपर कबूटो, कुछ सुपर कबूटो हैं, कुछ कुछ और क्लोन है, ये अस्टीरिया हुईबू है, इनको कुछ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ पानी दिया जा रहा है, ये भी हाइब्रिड है। जैसे ये देख रहे हैं ये सारी सीडलिंग है, इनको पीट मॉस के अंदर ग्रो करके करने के बाद भल के अंदर मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। अभी आप देख रहे हैं इसको, ये कुछ 4 माह 5 माह पहले मैंने इनको भल के अंदर इसका मीडिया चेंज किया था। पहले भी भल ही थी, अब भी भल ही है, तो कोई कुछ चीज़ ऐड नहीं की। देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है माशाल्लाह। आपसे गुजारिश है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।